जिससे निरंतर प्रभु की तरह है। और हमने जो घोषणा पत्र जारी कर रहे अभी यहाँ पे इतनी मीडिया घड़ी है भैया, और क्या चाहिए आपको? तो पंचली लोगों फोटो खींच लेना है, हमें इतनी मीडिया घड़ी। श्रवण का कुछ प्रोग्राम तो नहीं आएगा यहाँ पे? स्वास्थ्य के इस घोषणा पत्र के माध्यम से हमने हमारे स्वास्थ्य की बात की है, हमने हमारे भूमि अधिकार की बात की है, हमने इसमें हमारे शिक्षा की बात की है, हमने यहाँ पे हमारे बजट को लेकर के 80 PTSP जो प्लान बना है उसको कानून बनाने की यहाँ पे मांग की है। हमारे साथ में जो जातिगत भेदभाव होता है, जो हिंसाएं हो रही है उसको लेकर के विशेष कैंपेनिंग, उसको रोकथाम के लिए विशेष कैंपेनिंग की मांग की है। और इस तरीके के जो तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हमने मांग की, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों का इन इस दिशा में कभी उन्होंने नहीं सोचा है। और ये हमारे ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं जो आए दिन हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें ये विस्तार से हमने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये मांग किया है, जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ये पूरा जो 18-20 दलित और आदिवासी और गोमंतू समुदाय के लोगों के साथ काम करने वाले संगठनों का एक सामूहिक दस्तावेज है, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और जो लोगों के डिमांड है ग्रास रूट पे, उनके आधार पे, उनकी मांगों के आधार पे ये किया गया है। ये मांग पत्र